बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में शीर्ष नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक में रोष भरा हुआ है। उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं होने पर प्रदेश संगठन पर बदलाव की मांग लगातार हो रही है। ऐसे में आपस में ही सभी नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। यहां तक कि पूर्व केंद्र मंत्री ने भी बयान देकर कहा है कि चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमज़ोर था और कांग्रेस कम सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए था। चुनाव परिणामों के नतीजे आने के साथ ही महागठबंधन के अन्य घटक दल भी कांग्रेस को खूब निशाना बना रहे हैं। लगातार पार्टी के भीतर समीक्षा की मांग उठ रही है और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी हो रही है। इसी क्रम में अब सूत्रों के खबर से आई कांग्रेस कार्यकर्ता समिति की एक बैठक में चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा करने के ऐलान के बाद कई पार्टी नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। कांग्रेस के सूत्र के अनुसार बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोयल ने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष को भेज दिया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित अन्य नेताओं ने भी त्यागपत्र देने की पेशकश की है। हालांकि अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बता दें कि कांग्रेस नेताओं के एक घरे ने बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा की मांग की है। वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने तो अब कारगर कदम उठाने की पेशी भी की है। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने भी कहा है बिहार चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर आत्मचिंतन होना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार के हलिया विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की घटक कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि 70 सीट पर चुनाव लड़ा था।